बरसाने में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी के घर में तीन बेटे और तीन बहू, लेकिन सेठ जी को एक ही दुख कि कोई बेटी नहीं है। हर समय बरसाने में रहते, राधिका जी के दर्शन रोज मंदिर में करने महलन पे जाया करते, लेकिन बस मन में यही खेद कि मेरे कोई लाली नहीं, मेरे कोई कन्या नहीं। आजकल लोग आशीर्वाद भी देते तो कहते दूधो नाओ पूतो फलो, ये कोई नहीं कहता दूधो नाओ पोती फलो। सेठ जी को हर समय खेद है क्या कि मेरे घर में कोई लाली नहीं है, कोई कन्या नहीं। एक दिन महलन से उतर रहे थे, राधा 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 करते हुए एक महात्मा जी मिल गए। और सेठ जी कैसे हो? सेठ जी ने कहा सब अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन बस एक ही कमी है कि जीवन में कोई कन्या नहीं है। जिनके घरों में कन्या नहीं है वो भी दुख मनाइए कि भगवान तेरी कृपा हो तो कन्या देना। तो महात्मा जी ने इतनी अच्छी बात कही, बेटा सेठ जी जिस चीज का जीवन में अभाव हो, जिस वस्तु का जीवन में अभाव हो, उस वस्तु की जगह भगवान को बिठा लो। जिस चीज की आपको लगे मेरे जीवन में कमी है उसकी जगह भगवान को स्थापित कर दो। सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को वास, यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास। सेठ जी क्यों उदास रहते हो? सेठ जी ने सोचा कि राधा रानी को अपनी बेटी मान लूं। बोले हां, आज गए एक चित्रपट राधा जी का लिया और अपने घर में लगा दिया। प्रेम से कहिए श्री, जैसे ही घर में चित्रपट लगाया रोज अपनी दुकान पर जाएं, पर हर समय राधा 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 राधा। कोई पूछता सेठ जी कैसे हो तो एक ही बात कहें, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती नहीं कोई बाधा, मैं बड़ भागी पिता हूं, मेरी बेटी है श्री राधा। मैं बड़ भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। हाँ मैं बड़ भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। मैं बड़ भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। अब हर समय राधा 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 करने लगे। अब एक दिन तीन बेटे और तीन बहुए, तो एक चूड़ी पहनाने वाली आई। प्रेम से कहिए श्री राधे, तीन बहुओं को हर महीने चूड़ी पहना के जाया करती। हर महीने चूड़ी पहना कर जाती तो जैसे ही चूड़ी पहनाने वाली आज तीनों बहुओं को चूड़ी पहना करके गई, एक हाथ और निकल करके आया। बाबा देखा मनिहारन, अरियो मनिहारन नेक हमको हूं चूड़ी पहनाए दे। जैसा अलौकिक स्वरूप इस मनिहारन ने देखा, सोचा तीन बहुए ही चूड़ी पहनती हैं, सेठ की सेठानी तो मर गई कब की। सोचा कोई रिश्तेदार आई होगी, उस सुंदर सी लाली को चूड़ी पहना दी। प्रेम से कहिए शिरा, राधिका जी ने अपने मन में सोचा कि मेरे पिता के घर चूड़ी पहनाने वाली आई है, क्यों ना मैं भी आज चूड़ी पहनूं। मेरे पिता के घर चूड़ी पहनाने वाली आई है, तीनों मेरी भाभियों ने चूड़ी पहनी, मैं भी पहन लेती हूं। मनिहारन ने चूड़ी चार को पहना दी। अब चूड़ी के पैसे सेठ जी से दुकान पर लिया करती थी, बिल्कुल सच्ची घटना है। अब ये चूड़ी पहनाने वाली मनिहारन सेठ जी की दुकान पर पहुंची और दुकान पर जाकर के कहा, सेठ जी चूड़ी पहना कर। अच्छा अच्छा कितने पैसे हुए, कितना दाम हुआ? देने लगे। बोले आज दाम ज्यादा है। दाम ज्यादा है क्यों?
तीन बहुओं ने चूड़ी पहनी, बोले चूड़ी का रेट कुछ बढ़ा दिया, चूड़ी के पैसे कुछ बढ़ा दिए क्या, दाम बढ़ गया कुछ? बोले नहीं, दाम नहीं बढ़ गया, आज चूड़ी चार को पहनाई है। अच्छा, चार को चूड़ी पहनाई है, हमारे घर में तो तीन के सिवा और कोई है ही नहीं। बेटा बैठा था, क्यों हमारे घर कोई आया हुआ है? बोले कोई नहीं। बोले तीन के सिवा हमारे घर में कोई और है ही नहीं, झूठ बोलती हो। पैसे ज्यादा लेने हैं ले लो, मांग करके ले लो, लेकिन झूठ मत बोलो। मनिहारन ने कहा, सेठ जी मैं काहे को एक चूड़ी के छोटे से दाम के लिए आपसे झूठ बोलूंगी, मैंने चूड़ी चार को पहनाई है। सेठ ने कहा, मेरे घर में तीन के सिवा कोई है ही नहीं। मेरे भाई बहन, सेठ इतना कठोर हो गया, कहने लगा अच्छा झूठ बोलती है, जा मैं आज पैसे नहीं दूंगा, आज रात को घर जाऊंगा, पहले पता करूंगा चूड़ी कितने ने पहनी, तब कल पैसे लेना। सेठ जी आए, रात को भोजन किया, महलन पर अटारी पर दर्शन किए और आकर के श्री राधिका जी के भक्त थे सो गए। और बस एक ही जाप, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, राधा 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 करते हुए सेठ जी सो गए। सपने में प्रकट होए के वृषभान की दुलारी बोली, सपने में किशोरी जी आ गई, तनिया बनाए के तात नातना निभायो है। सपने में प्रकट होकर के लाडली जो कहने लगी, तनिया बनाए के बेटी बनाए के नात ना तात नात नहीं निभाया। सेठ जी क्या हो से आंसू बहने लगे, लाडली जो, लाडली हे बेटी क्या हुआ क्या हुआ? राधा जी, सेठ जी जाग गए। लेकिन ये जागृत अवस्था भी श्री किशोरी जी सामने खड़ी है। सपने में प्रकट होए के वृषभान की दुलारी बोली, ओ तनिया बनाए नात नात ना निभायो है, चूड़ी पहनी जान पितुगे आज, आप पिताजी चार चूड़ी को मोल ना चुकायो है, ओ चार चूड़ी को मोल ना चुकायो है। सेठ जी रोने लगे, श्री राधिका जी, तीन बहु याद किंतु बेटी नहीं याद रही, तीन बहु याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका जू को ही भरियायो है। श्री राधिका जी का हृदय भर भर आने लगा, कैसी भई दूरी हाय कैसी मजबूरी, कैसी भई दूरी हाय कैसी मजबूरी, आज चार चूरी को मोल ना चुकायो है, आज चार चूड़ी को मोल ना चुकायो है, आज
चार चूड़ी को मोल ना चुकायो है, आज चार चूड़ी को मोल ना चुकायो है। सेठ जी जाग गए भोर में ही, उसके बाद कहां नींद आनी थी। जाग गए, जागते ही सोचने लगे कब सूर्य की पहली किरण निकले, और जा करके मनिहारन के द्वार पर जा करके उसकी चूड़ी का मोल चुका करके आओ। और मोल चुका करके आए, जैसे ही मोल चुकाने के लिए मनिहारन के द्वार पर जाकर के दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाया, मनिहारन, ओ मनिहारन दरवाजा खोल, अरे ओ मनिहारन दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। जैसे मनिहारन ने आकर के दरवाजा खोला, सामने झुकी नजरों वाला साहूकार बरसाने का सेठ खड़ा है। और सेठ जी के मन से तो मनिहारन को देख के मानो एक ही आवाज आ रही है, धन धन। तुझसे बड़ा धनवान कौन होगा, तुझसे धन्य कौन होगा, धन धन। भाग तेरो मनिहारिणी धन धन, भाग तेरो मनिहारिणी धन धन, भाग तेरो महारिणी धन धन, भाग तेरो किशोरी के हाथ में चूड़ी पहना दी हो, उससे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। तेरे से बड़े भाग्य नहीं को, तेरे से बड़े भाग्य नहीं को। संत महंत पुजारिन मनिहारिन, संत महंत पुजारिन धन धन, भाग तेरो मनिहारिन धन धन, भाग तेरो मनिहारिन। मैंने मानी सुता, सेठ जी कह रहे हैं हे मनिहारिन तू धन्य है। सेठ जी क्या हुआ, सेठ जी कह रहे हैं मैंने मानी सुता, किंतु निज नैन निहारी निहारी। अरे मैंने अपनी तीन बहुओं के साथ, तीन बेटों के साथ, बेटी नहीं थी घर में, चित्रपट लगा करके उसको बेटी का स्थान तो दे दिया, लेकिन कभी जिंदगी में उसको निज नैन ना ये निहारी। सेठ जी हुआ क्या, बोले चूड़ी पहर गई तब कर से, चूड़ी चूड़ी पहर गई तब कर से, चूड़ी पहर गई तब कर से, ऊंची अटारी वारी, ऊंची अटारी वारी, हाय वो वृष तेरो मनिहारी धन धन धन, भाग तेरो मनिहारी। जैसे इतना सुना मनिहारिन ने कि मैंने जो चूड़ी चौथी, चौथी चूड़ी जो पहनाई,
वो तीन बहुए या कोई रिश्तेदार नहीं, स्वयं वृषभान दुलारी थी। मेरे भाई बहन, आज इस मनिहार इनकी आंखों से अश्रुपात होने लगे। वाह सेठ, वाह वाह, किशोर ही कृपा मुझ पर हो गई। बेटी की चूड़ी पहराई, देऊं जाऊं बलिहारी। मनिहारिन ले ले, बेटी की चूड़ी पहराई ले ले, जितनी चाहिए। बोले बस सेठ। बेटी की चूड़ी पहराई, देऊं जाऊं बलिहारी। जन राजेश, राजेश्वरानंद रामायणी जी, जन राजेश, जनी राधे तथा जगत के अद्भुत नक्षत्र राजेश्वरानंद रामायणी जी। जन राजेश जोरी कर बिनवत, छमियों चूक हमारी, धन धन भाग तेरो मनिहारिन। धन धन भाग तेरो मनिहारिन, धन धन भाग तेरो मनिहारिन, धन धन भाग तेरो मनिहारिन। जुगल नयन जल से भरे, मुख नहीं आवत बोले, मनिहार इनके पाए परी, लगे चुकावन मोल। मनिहार इन कहने लगी, जब मोही मिलो अमोल धन, अब का मांगू मोल, रे मन मेरे प्रेम सो, श्री राधे राधे बो, श्री राधे राधे बो। मेरे भाई बहन, जब दुनिया में हर परिस्थिति से हार जाओ, जब दुनिया में कोई आपकी बात सुनने वाला ना हो, जब दुनिया में समस्याएं घेर ले, कोई बहुत परेशानियों से गुजर रहे हो, तो कब कहीं और नहीं जाइएगा, अपने घर में एक ऐसा कोना बनाओ, कितना महफूज हूं मैं एक कोने में, जहां कोई तकलीफ नहीं होती मुझे रोने में। अपने घर में एक ऐसा कोना बनाइए, जिस कोने में बैठ करके आप अगर भगवान को पुकारें और आपकी आंख से अश्रुपात हो, हजारों ब्रह्मांड चिंघाड़ती हुई, चीरती हुई वो पुकार बैकुंठ में जाकर टंटोर मारती है। श्री राधे, जय राधे, राधे राधे बोलो श्री राधे, श्री राधे, राधे बोलो श्री राधे, श्री राधे, जय राधे, राधे राधे बोलो श्री राधे। आइए आज राधा अष्टमी की बधाई गाने से पहले एक बार करुणा पुकार से करुणेश्वरी कृपामयी किशोरी को पुकारिए। श्री राधे, जय राधे, बोलो श्री राधे, श्री राधे, जय राधे, राधे राधे बोलो श्री राधे, श्री राधे, जय जय राधे,
पुकारिए ताली सेवा करते हुए श्री राधे जय राधे 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 बोलो बरसाने का नजारा देखोगे तो नारद वीणा बजाते मिलेंगे, ठाकुर बांसुरी बजाता मिलेगा, इंद्रोवादी मृदंगम, बरसाने की गलियों में पर भजन संध्या की थी महलन के नीचे, लेकिन उसके बाद से एक भी राधा अष्टमी ऐसी नहीं जहां मैं महलों तक जा पाया, क्यों? ठाकुर ने ऐसी सेवा में लगा दिया, कहीं ना कहीं गुणगान करते 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 कहीं राधा अष्टमी गा रहे हैं, कहीं गा रहे हैं, लेकिन मैंने जो नजारा राधा अष्टमी पर देखा है, ऐसा ऐसा व्यक्ति वहां देखने को आज के दिन मिलेगा, पांव में घूंघर बांध करके किन्नर नाच रहे हैं, गंधर्व गायन कर रहे हैं, राग लापे
जा रहे हैं और लादनी शक्ति का आज प्रागौट्य उत्सव है। श्री राधे जय राधे, राधे राधे बोलो श्री राधे।